हेलो डियर कैंडिडेट्स वेलकम टू बायो क्लासेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेकेराइड्स तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बनते हैं बाय मीन ऑफ द पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन ऑफ द मोनोसेक्राइड यूनिट्स सो वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और द पॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्मड बाय द फारमड बाई द पोलमराजेशन आफ पोलमराजेशन आफ मानक्राइड यूनिट जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पॉली सेक्राइड्स हेयर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइडस जॉइन विथ ईच अदर बाई मीनस ऑफ ए बॉन्ड जिस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इनमें थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन विथ ईच अदर बाई मीनज ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड जिस कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सो बॉन्ड जो दो आ, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में होता है इन केस ऑफ इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सो द बड बिटवीन द बंड बिटवीन द एडजसेंट मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लेकिन जब ये बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में बनता है तो वहां पे उन दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑलवेज ग्लाइकोसिडिक bond is formed with the release of glycosidic bond is formed with the release of release of water molecule water that is h2o so in uh, simple we can say if there are the n number of c6 h12 o6 molecules n means the no unknown number of the monosaccharides units that is the hexoses, and unknown number, or it can, it can be the thousands of the monosaccharide units, they combine with each other and results in the formation of a polysaccharide or a complex carbohydrate, which we will uh, write down as C6H10O5. How many monosaccharides are here? जॉइनड विद ईच अदर बाई मीन ऑफ ए गलाइकोसाइडिक बॉन्ड अन नोन नंबर ऑफ़ द मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर थाउजेंडस ऑफ मानोसेक्राइड यूनिट एंड अगैन यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल रिलीज होगा हर एक जब मानोसेक्राइड यूनिट एक दूसरे के साथ जॉइन होगा तो देट इज एन नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल आर रिलीजड एंड दीज आर द मानोसेक्राइडस मोनोसक्राइडस वेल एज दिस वन इज द पॉली Saccharide. While this n is, n is the unknown number, unknown number of monosaccharides, monosaccharides. It can be the thousands, it can be the 10,000, 6,000, more than uh, 6,000. So we can just simply say that this n is an unknown number of the monosaccharide units. These polysaccharides पॉली सेक्राइडस दीज पॉलीसेक्राइडस आर लीनियर दे आर लीनियर ब्रांच अनब्रांचड और ब्रांचड ये जो पॉलीसेक्राइडस होते हैं ये लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं ये ब्रांचेड भी अनब्रांचड भी हो सकते हैं कोई भी ब्रांच इनमें नहीं होगी या ब्रांचड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ

मोनोसेक्राइड से बने हैं या बहुत सारे टाइप्स के मोनोसेक्राइड से बने हैं क्या इनमें एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड होता है इन पॉलीसेक्राइड्स में या एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स होते हैं एक से ज़्यादा टाइप मोनोसेक्राइड्स होते हैं ऑन दैट बेसिस पे इन पॉलीसेक्राइड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वन इज़ कॉल्ड एज होमो पॉली सेक्राइड्स और होमोग्लाइकनस होमोगलाइकनस वाइल एस द सेकंड टाइप जो होता है उनको हम कहते हैं हिटरो पॉली सेक्राइडस और हिटरो ग्लाइकनस

मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होगा तो ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम कहते हैं होमो और होमोग्लेकेंस सो वी कैन से हियर दैट दीज पॉलीसेक्राइड्स आर फॉर्मड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइडस मोनोसेक्राइड तो जब एक एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड यूनिट से एक पॉलीसेक्राइड बना होगा तो ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड और होमोग्लाइकनस इन होमोपॉलीसेक्राइड्स या होमोग्लाइकनस को हम अकॉर्डिंगली नेम देते हैं कि किस मोनोसेक्राइड यूनिट से ये बना है अगर ये बना है अगर ये बना है ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज से if the homopolysaccharide is made up of only the glucose monosaccharide then that homopolysaccharide is called as glycan if it is made up of fructose it is called as they are called as the fructan or fructans if it is made up of the galactose then we call the homopolysaccharide as galactan and so on so on so this is about the homo and the examples are examples of examples of homo polysaccharides or homoglycans are that is starch cellulose glycogen etc

एक से ज़्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होंगे ऐसे मोनोसेक ऐसे पोलिसक्राइडस को हम कहते हैं हिटरोपोलीडस सो द दटरोपोलीसेक्राइडस आर द पोलीसेक्राइडस विच आर ईदियर मेड अप ऑफ शुगर डिरावेटिवज़ और बाय मोर देन वन टाइप ऑफ द मोनोसक्राइड सो दे फॉर्मड फॉर्मड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ईडियर शुगर डिराइवेटिव या तो शुगर डिरावेटिव से बने होगा और मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स So such polysaccharides, which are made up of or which are formed by the condensation or polymerization of one either the sugar derivatives or more than one type of monosaccharide, the such polysaccharides are called as heteropolysaccharides or heteroglycans. Examples are examples are chitin, agar, hou. Uh, this um, ch chitin, agar, hemicellulose, hemicellulose. So these are the two types of the mono, uh, sorry, polysaccharides on the basis of their chemical composition. Now on the basis of, on the basis of the function.

three types of the polysaccharides first one is called as structural polysaccharides and second one ko hum storage polysaccharides and the third one is called as muco poly सेक्राइड्स। चलिए पहले वन पे आ जाते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉरी दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ़ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड स्केलेटन इन एनिमल्स वो पॉलीसक्राइडस जो सेल प्लांट के सेलवालस में इम्पॉटेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा या सिक्लिटन इन केस ऑफ एनिमल्स में होगा ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड सो दे आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेलवाल्स इन प्लांट्स एंड सिकलिटन इन एनिमल्स तो दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सॉरी स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइडस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टोट होते हैं सेलवाल्स इन प्लांट्स एंड सिकलिटन इन एनिमल्स और ये पॉलीसेक्राइडिस स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइडस दे आर इनसॉलीबल इन वाटर ये इनसॉलीबल इन वाटर होते हैं तो इस इंसॉलिबल इन वाटर की वजह से ये ऑर्गनज्म में जिन ऑर्गेनजम में ये स्ट्रक्चरल पॉलिसक्राइडस पाए जाते हैं उनमें हेल्प कर देते हैं टू रिटेन दियर फॉर्म उनकी फॉर्म को रिटेन कर देते हैं और उनकी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर देते हैं मजबूत कर देते हैं ड्यू टू दिस इंसॉलिबिलिटी इन दाटर हेल्थ दिज पॉलीसक्राइडस हेल्पस इन ऑर्गनजम्स To retain their form, इनकी फॉर्म उन ऑर्गेनिज्म की फॉर्म को रिटेन कर देते हैं एंड स्ट्रेंथन देयर स्ट्रक्चर एंड द मैन टू स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स आर Examples are the main two examples of the structural polysaccharides are that is the cellulose, that is cellulose in case of the plant cell walls, and in case of uh, chitin cell wall in case of the fungi. These are the two important uh, or the main structural polysaccharides which help. द ऑर्गेनिज्म टू रिटेन दियर फॉर्म एंड टू स्ट्रेंथन दियर स्ट्रक्चर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एक्ट्स एज द फूड रिजर्व जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स को रिजर्व किया जाए इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलीसेक्राइड ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड सो दे एक्ट एज एक्ट एज द फूड रिजर्व फूड रिजर्व एंड मेनली अगर हम बात करेंगे ये जो स्टोरेज पोलिसक्राइडस होते हैं ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एंड गिव राइज द कॉरस्पोंडिंग मोनोसेक्राइडस एंड विद द एंड रिलीज ऑल्सो द एनर्जी सो दे कैन दे आर दे आर hydrolyzed with release of release of energy and the main citric, sorry storage polysaccharides are that is sitaric and annulin in case of plants while as ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स मैनली इन दो मै से मैं बी सी मैबी से जो स्टार्ज है दैट इज द मैन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड नाउ कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज द म्यूको पोलीसेक्राइडस आर म्यूसिलेज और स्लाइमी पॉलीसेक्राइडस दे आर म्यूसीज और Slimy substances or slimy polysaccharides. They are mainly they mainly contain the acidic or aminated polysaccharides. They are mainly acidic or aminated. They occur in case of both plants as well as in animals. Occur in both plants as well as in animals and uh, they are mainly composed of galactose composed of composed of they are mainly composed of galactose manose monosaccharide monosaccharide saccharide derivatives and uronic acid so the man uh, the the three uh, types of the polysaccharides on the basis of the function are the structural polysaccharides and in structural polysaccharides the two classical examples of the are cellulose and chitin storage polysaccharides the main two examples are starch and glycogen and another one is in an annulin. and the third category is mucopolysaccharides and uh, they are mainly made up of the galactose, mannose, monosaccharide derivatives and uronic uronic uh, acidus uronic acidus thank you